हे गाइस जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज 24 जून है, आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है ना, अप्रॉक्स 15 से 20 वो कैब डेली का रहता है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है, जो एक फ्रेज है, इन द वेक ऑफ, जिसका मतलब होता है फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज द कंसिक्वेंसेज, परिणाम के रूप में किसी को ना फॉलो करना है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। सिल्वर लाइनिंग, देखो नाम ही से नहीं सुना, सिल्वर एकदम है ना, मतलब सिल्वर लाइन कहीं पर अगर खींच देते हैं, मतलब थोड़ा सा याद करने का तरीका देखो तो ऐसा एडवांटेज जो कि ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन से जो फ़ायदा हो जाता है ना, मतलब आपका स्थिति बहुत गड़बड़ है लेकिन वहाँ पे भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, उसके लिए सिल्वर लाइनिंग का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेड विंड। जैसे मान लेते हैं अगर आप इधर जा रहे हैं, हवा इसी तरह का है, तो प्रेशर मारेगा कि नहीं मारेगा, तो इसीलिए मतलब विपरीत परिस्थिति एकदम। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप फोर्स इन्फ्लुएंस डैट इनहिबिट्स प्रोग्रेस, मतलब जैसे आप इधर जा रहे हैं, हवा इधर से है ना, तो आपका प्रोग्रेस जो है ना वो रोक देगा, तो उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ओमनिबस जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत सारा चीज़ एक ही बार में अगर आपको मिल जाता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है ओमनी बस का। ठीक है, इम्बेलिश जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सवारना, सुसज्जित करना एकदम, अलंकृत करना एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, डेकोरेट करना एकदम है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आ, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि नहीं होता है डर वगैरह के चलते ना किसी का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देना, जैसे नहीं होता है कि फैमिली मेंबर कोई रहता है, पापा अंकल मम्मी कुछ भी, एकदम डर के मारे एकदम, नहीं आप ही तो सब कुछ एकदम, जैसे बोलते हैं ना एज द एज ए यंग बॉय ही वॉज वेरी मच इन अ ऑफ हिज अंकल, मतलब इस तरह से सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। प्रोमिनेंट जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा जो फेमस जो रहता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है, या फिर जो आसानी से दिखा जा सकता है ना, तो जैसे बोलते हैं ना द चर्च इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द विलेज, का सबसे जो महत्वपूर्ण जो फीचर है ना, ठीक है, वो क्या है, वो चर्च है एकदम, मतलब महत्वपूर्ण है, सबसे फेमस है एकदम, उसके लिए इसका यूज होता है। इनस्क्रूटेबिलिटी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो आसानी से समझ में नहीं आए, तो मतलब वो मिस्ट्रियस है, अनफैथोमेबल है, मतलब जिसका पता ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं जा सकता उसके बारे में, उसको लेकर इसका यूज होता है। बम्प अप, बम्प अप। एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज और एड समथिंग, इस चीज़ की मात्रा को बढ़ा देना एकदम पूरा, है ना, ये पॉजिटिव वाइब्स देता है, बम्प अप एकदम, है ना। और नेक्स्ट है एक्सपे डाइट जो है ना एक वर्ब जिसका मतलब होता है जल्दी करना एकदम, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, कोई भी काम जल्दी घटना को अंजाम दे देना है ना, उसके लिए इसका एक्सपे डाइट का यूज होता है। ठीक है, पैची जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यथातथ बिखरा पड़ा जो रहता है ना, ठीक है, उसको लेकर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, या फिर किसी चीज़ के बारे में कम ज्ञान है, नॉलेज है ना, उस मतलब तितर पितर एकदम नहीं बोलते एकदम, जैसे बोलते हैं ना माई नॉलेज ऑफ तमिल इज रेदर पैची एकदम, मतलब थोड़ा बहुत एकदम जो है ना वो है ज्ञान एकदम तमिल के बारे में एकदम, है ना, एक्सपेडाइट, तो ये तो हो ही गया है ना। तो भाई ये छोटा सा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बता सकते हैं, और देखते रहिए सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला।